वी फील लकी कि हम लोग यहाँ पे थे, बिकॉज इतना क्लोजली उनको इंडिया में देखना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता. एंड इन द मॉर्निंग एज वेल लाइक आई मेट हिम एट द होटल वेयर ही इज स्टेइंग एंड आई टुक सेल्फी विद हिम. मुझे लगता है इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, और जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी पूरा हॉल आप देख रहे होंगे जो है एनर्जी से भर गया था. सबसे बढ़िया हमको ये लगा कि उन्होंने जिस तरीके से स्टेटिस्टिक्स बताया कि हम कितने आगे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगा. तीसरा सेशन चल रहा उनका, तीसरा बार टर्म, बट जो ओरा उनका था पहला और आज जो यहाँ पे देखा रोंगटे खड़े हो गए. एज ऑलवेज ही इज ट्रेमेंडस विथ ऑल द नंबर गेम एंड एवरीथिंग, वट एवर ही सेज एवरीथिंग लाइक वॉज टचिंग द डायरेक्टली टू द पीपल. सो बहुत ही एकदम मतलब इतने उत्साह से सारे लोग आए हुए थे, आपने देखा कि मतलब कैसे सब लोग मतलब नारे लगा रहे थे. सो इट वॉज अ वेरी टचिंग फीलिंग. वी फील लकी कि हम लोग यहाँ पे थे, बिकॉज इतना क्लोजली उनको इंडिया में देखना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता. सो वी आर रियली लकी दैट वी आर एबल टू बी पार्ट ऑफ इट. प्राइम मिनिस्टर स्पीच वॉज रियली अमेजिंग. इट वॉज लाइक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. लाइक ही केम इन द सेंट्रल यूरोपियन कंट्री पोलैंड एंड इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फॉर अस. स्पेशली आई एम फ्रॉम द जामनगर एंड ही गिव ट्रिब्यूनल टू द जाम साहिब स्मारक. सो इट वॉज mind blowing experience for us to meet him, greet with him. And in the morning as well, like I meet him at the hotel where he is staying and I took selfie with him. So it's a really nice experience to like be here and listen his speech. थैंक यू. हम लोग यहाँ पे सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे. हम लोग उन्हें होटल में भी मिले और उसके बाद में ही इज वॉज एज एनर्जेटिक एज ही वॉज लाइक ही इज ऑलवेज इज राइट. एंड मुझे लगता है इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, और जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी पूरा हॉल आप देख रहे होंगे जो है एनर्जी से भर गया था, और सब लोगों ने काफी एंजॉय किया है. और या लाइक वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट. सबसे पहले तो उनका थैंक यू कि वो यहाँ पे आए और हमको अवसर मिला उनको मिलने का. और सबसे बढ़िया हमको ये लगा कि उन्होंने जिस तरीके से स्टेटिस्टिक्स बताया कि हम कितने आगे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगा. प्राउड मोमेंट था सबके सामने, और ऐसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं. थैंक यू. और हम कोई चीज कही उन्होंने जी, आप सब एम्बेसडर्स भी हैं. हाँ जी, जी एकदम. तो इस अक्टूबर में हम कर देंगे, पांच तो नहीं लेकिन दो करेंगे पक्का, लेकिन करेंगे जरूर. और अगले पांच सालों में ये मिशन फुलफिल होगा. जो मोदी जी का हो रहा था, जो तीन 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 तीसरा सेशन चल रहा उनका, तीसरा बार टर्म, बट जो ओरा उनका था पहला और आज जो यहाँ पे देखा रोंगटे खड़े हो गए. और उन्होंने इस बार जो आके हमें बोला कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमारा और पोलैंड का कुछ समझौता हुआ है, इससे हमें फायदा होगा, उसके बारे में और जानना चाहेंगे. होपफुली अच्छी न्यूज आएगी. और हाँ जरूर, जैसे उन्होंने बोला पांच लोगों को भेजना है जरूर. हम एम्बेसडर हैं, हम अपनी संस्कृति को देश भर दुनिया भर बढ़ाना चाहते हैं. और हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, श्योर पोलैंड लोग